बुरे लोग अपनी खुदगर्जी और कठोरता की वजह से सत्य के मार्ग पर चलने वालों पर चारों तरफ से हमला करते हैं। इस अंधकार की गहराई से उन अच्छे लोगों को बाहर निकालने वाला पुण्य आत्मा हो जाता है। हमसे नहीं कोई ज्यादा शक्तिशाली कोई हमसे टकराने आ जाए तो उससे लड़ने का एक सलीका होता है। किस खास दिन होगा टाइटल टीजर आउट, कहां पर सेट है मेगा 154, किस अंदाज में दिखे चिरंजीवी पहली झलक में, तेलुगु में संक्रांति सीजन फिल्म रिलीज के लिए साल के सबसे उत्सुक समय में से एक है, बॉक्स ऑफिस पर कमाई ज्यादा करने के लिए अधिकांश हाई बजट फिल्में इस समय के आसपास रिलीज होने के पक्ष में हैं। अब चीजें इंटरेस्टिंग होने वाली है कि चिरंजीवी अपनी मेगा 154 से संक्रांति की दौड़ में शामिल हो गए हैं। निर्देशक बॉबी के साथ चिरंजीवी की 154 परियोजना के टाइटल टीजर का कल अनावरण होने वाला है। इस बीच निर्माताओं ने आज टाइटल टीजर की एक छोटी सी झलक रिलीज कर दी है। मेगास्टार एक बड़े अवतार में दिखाई दे रहे हैं। मास एक्सपोजर नाम के वीडियो में चिरंजीवी एक्शन स्टाइल में सिगरेट का आनंद लेते दिख रहे हैं, लेकिन इनके चेहरे को कैमरे की तरफ नहीं किया गया है। क्लिप को ट्विटर पर साझा करते हुए निर्माताओं ने लिखा, दिवाली की शुरुआत एक बड़े पैमाने पर #mega154 टाइटल टीजर के साथ कल सुबह 11:07 के लिए तैयार रहें। बॉबी KS रविंद्र द्वारा निर्देशित चिरंजीवी की 154वीं मूवी संक्रांति 2023 के दौरान स्क्रीन पर हिट होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। शुक्रवार को निर्माताओं ने इसकी घोषणा की है। ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के एक प्रसिद्ध क्षेत्र में स्थापित एक कहानी बताया जाएगा। इसके अलावा चिरंजीवी महेश रमेश के निर्देशन में बनी मूवी भोला शंकर को भी सामने रखेंगे। F3 अभिनेत्री के साथ तमन्ना भाटिया नजर आएंगी और कृति सुरेश उनकी बहन के रूप में है। इस परियोजना में रघु बाबू राव रमेश मुरली शर्मा रविशंकर तुलसी प्रगति श्रीमुखी बिथरी साथी सत्या गेटअप श्रीनू रश्मि गौतम और भी कई लोग शामिल होंगे। उत्तेज अन्य लोगों के साथ प्रमुख भूमिकाओं में है। मूवी में श्रुति हसन ने चिरंजीवी के साथ प्रमुख नायिका की भूमिका निभाई है। मूवी के निर्माता नवीन यानैनी, वाई रविशंकर और GK मोहन हैं। मोहन सर निर्माता के रूप में काम कर रहे हैं। कई जाने माने अभिनेताओं के साथ एक शीर्षक तकनीकी टीम इस परियोजना पर काम कर रही है। आपको मूवी का कितना इंतजार है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए एंड सेफ रहिए। बाय बाय।